जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के क्वेश्चन है। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो है। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको व्यास का अनुपात दिया गया है और उनके प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। और आपको यहाँ पे क्या कह दिया गया है, आपसे यहाँ पे कह दिया गया है कि समान लंबाई, लंबाई समान है तो तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है। व्यास क्या होता है? व्यास कहते हैं डायमेंशन होता है, डायमीटर। डायमीटर डायमीटर जो होता है वो आपको दिया गया है, d1 दो है व्यास, दो तार हैं तो दो व्यास होंगे। इसका रेशियो दिया गया है 1:2 आपको दो। पूछा गया होंगे प्रतिरोधों का अनुपात, तो R1 अनुपात आपसे R2 पूछा गया है, क्या हो जाएगा? देखिए सीधा एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लीजिएगा कि जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दी जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका कि R1 अपान R2 इक्वल टू होता है d2 अपान d1 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। d2 कितना है आपका? d2 दो है और d1 आपका एक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिएगा 2 का वर्ग कितना होता है, 4/1, 4/1 आ जाएगा। तो उसको लिख देंगे कि R1 अनुपात R2 बराबर 4:1, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बस पूछा गया था कि समान लंबाई के दो तारों के व्यासों का अनुपात दे दिया जाए, तो दोनों का अनुपात इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। ओके,